हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जीएस में ये हमारा तीसरा पार्ट है, दो पार्ट अपलोड हो चुकी है, उसको जाकर देख लीजिएगा। पहले स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, पढ़ने के भी अच्छा लगेगा, साथ ही साथ आपके छत्तीसगढ़ में कोई भी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2024 के पीएससी के आप तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर कम्प्लीट जीएस आपको यहाँ पर कम्प्लीट कराया जाएगा। तो यहाँ पे हम हिस्ट्री में जो मिडवल हिस्ट्री मध्यकालीन जो इतिहास है छत्तीसगढ़ के, ये हम स्टार्ट किए हैं, हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी लगभग 30 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ, तो उसको जाकर देख लीजिए, मेंस के लिए भी काम आएगा। वी एफ एम छत्तीसगढ़ को कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगभग छत्तीसगढ़ के जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। 31 क्वेश्चन है, तो छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नर बलि की जो प्रथा है आपके प्रचलित थी? तो पहले क्या होता था, जो नरमली जो प्रथा, राजा महाराजा जो हमारे जो पूर्वज थे, इन लोग यहाँ पे नरबली जो प्रथा थी आपको बहुत ही उस समय ज़्यादा होती थी, अभी कम हुआ है। तो आपके बस्तर, करण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर और जो आपका जो करण जो है, ये दोनों जो जगह आपके नरबली के लिए बहुत ही प्रचलित था उस समय, राजा महाराजा के समय यहाँ पे हमारे जो पूर्वज थे नरबली को यहाँ पे ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता था। तो आपके बस्तर और करौन यहाँ पे नरबली प्रथा के लिए यहाँ पे प्रचलित थे, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचूरी और मराठों की जो प्राचीन राजधानी गौरव प्राप्त है, तो किसको गौरव प्राप्त है? सिरपुर को, रतनपुर को, आरंग को या राजिम को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कलचूरी और मराठों वो दोनों जो शासन जो शासकों के द्वारा यहाँ पे जो प्राचीन राजधानी आपके रतनपुर को, इनके द्वारा स्टार्टिंग में जब इन्होंने शासन कर स्टार्ट किया था तो यहाँ पे रतनपुर को इन्होंने प्राचीन राजधानी बनाया हुआ था, तो इसको याद रखिए। कलचूरियों ने भी और मराठों के द्वारा रतनपुर को टैंक ऑफ सिटी, तालाबों के नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। किसके द्वारा बसाया गया था? पिछले क्लासेस में बताया था, कमेंट करके ज़रूर बताइए, रतनपुर जो शहर किसके द्वारा बसाया गया था, कौन से सन में इसको बसाया गया था, इसको कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। आज का क्वेश्चन है आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवर्धा का जो प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित कौन था? सोमवंश, नागवंश, मेघवंश या फड़ी नागवंश? तो कवर्धा का जो प्रसिद्ध राजवंश इसमें से कौन से, या कवर्धा में जो जितने भी शासक थे कौन से राजवंश से संबंधित है, ऐसा भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कवर्धा का जो प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था, तो आपका फड़ी नागवंशी शासक थे जो यहाँ पे इन लोग शासन कर रहे थे, जहाँ पे आपका जो कबीरधाम में जो कवर्धा है, इसको कबीरधाम पहले जाओ, इसको कवर्धा के नाम से आप जाना, जो भोरमदेव मंदिर, माड़वा महल, छेरकी महल, पचराही, ये सभी जो जगह है आपके यहाँ पे कवर्धा में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिए। जितने भी जो फड़ीवंशी शासक गोपाल देव जिन्होंने भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया था, साथ ही जो माड़वा महल है ये किसके द्वारा बनाया था, तो रामचंद्र देव एक फड़ी नागवंशी शासक है, तो इनके द्वारा इसको बनाया गया था। तो यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचूरी वंश के अंतिम नरेश कौन थे, या अंतिम जो शासक थे कलचूरी वंश के कौन थे? अमर सिंह देव, कोकल देव, वृक्ष सिंह देव या आपका सत्यदेव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर सिंह देव। याद रखिए, तो रायपुर में जो कलचूरियों को जो लहुरी शाखा के अंतर्गत आपके जो अमर सिंह देव थे, जो छत्तीसगढ़ में कलचूरी वंश के अंतिम नरेश इनको कहा जाता है इस शासक को, और केशव देव, जो केशव देव है जो आपके कलचूरी जो लहुरी शाखा के, इसको प्रथम शासक कहा जाता है, और अमर सिंह देव इसके अंतिम शासक है जिन्होंने रायपुर लहुरी शाखा के अंतिम राजा इनको कहा जाता है, जिसको याद रखिए। लगभग 14वीं शताब्दी में वीर सिंह देव के शासनकाल के दौरान कलचूरी साम्राज्य का विभाजन हो गया था, फिर कलचूरियों के जो नवीन शाखा या जो नवीन शाखा के रूप में, नया शाखा के रूप में लहुरी शाखा का उदय रायपुर में हुआ था, जिसके प्रथम शासक केशवदेव थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचूरी और मराठों की जो प्राचीन राजधानी गौरव प्राप्त है, तो कलचूरी और मराठों की जो प्राचीन राजधानी गौरव प्राप्त है, सिरपुर को, रतनपुर को, आरंग को या आपके राज्य? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रतनपुर जो है आपका कलचूरी और मराठों की इसको प्राचीन राजधानी इनके द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर को छत्तीसगढ़ का अंग कब बनाया गया था? तो बस्तर को छत्तीसगढ़ का जो अंग या इसको सम्मिलित किया गया था कौन से सन में? 1778 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1810 में या 1795 में? तो बस्तर को जो बस्तर जो संभाग है इसको छत्तीसगढ़ के अंग कब बनाया गया था? आपके 1778 में इसको बनाया गया था, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिए, सन को आपको याद रखने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रत्नदेव प्रथम के पश्चात
कौन सा जो शासक था, मतलब ये कहने का मतलब है रत्नदेव प्रथम के पश्चात यहाँ पे जो शासन किसने करना स्टार्ट किया था, रत्नदेव प्रथम के बाद पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, जाजल्यदेव प्रथम या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे जो रत्नदेव प्रथम था इनके 1045 से 1065 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद जो प्रथम रत्नदेव प्रथम के पश्चात यहाँ पे शासक करना किसने स्टार्ट किया था, तो जो पृथ्वीदेव प्रथम इन्होंने 1065 से लेकर इनको था 1095 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, जिनको सकल कोशलाधिपति, याद रखिए एग्जाम में पीएससी में क्वेश्चन पूछा है सकल कोशलाधिपति की जो उपाधि किसने धारण की है, तो आपका पृथ्वीदेव प्रथम जो शासक थे इन्होंने धारण की थी। और ये आपका जो अमोदा ताम्रपत्र, इस ताम्रपत्र के अनुसार आपके लगभग 21,000 जो गांव के आपके स्वामी इनको कहा जाता है, और इनके द्वारा बहुत सारे निर्माण मंदिर वगैरह निर्माण किया था। रतनपुर के जो विशाल तालाब का मंदिर निर्माण करवाया था, रतनपुर के जो तालाब वगैरह का इन्होंने यहाँ पे निर्माण करवाया था, और साथ ही साथ तुमाड़ में जो पृथ्वीदेव देवस्वर जो मंदिर है इसका भी निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा। और साथ ही साथ यहाँ पे पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा चित्तौड़गढ़ जो आपके लाफागढ़ के किला इनके द्वारा बनाया था, और इस किले में 3 प्रमुख प्रवेश द्वार थे एंट्री करने के लिए यहाँ पे, जिसको मेनका दरवाज़ा, सिंह द्वार, हुंकारा दरवाज़ा, ये सभी के आपके जो प्रवेश द्वार इनके द्वारा बनवाया गया था। तो बहुत सारे काम इनके द्वारा करवाया गया था और इनके जो साम्राज्य का भी इन्होंने विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने अपने स्वर्ण सिक्कों पर श्री जाजल्यदेव एवं गज शार्दुल अंकित करवाया था, पृथ्वीदेव द्वितीय ने, जाजल्यदेव द्वितीय ने, रत्नदेव द्वितीय ने या जाजल्यदेव प्रथम ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पीएससी व्यापम कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन, तो यहाँ पर आईएमपी कर देते हैं। वैसे तो जितने भी कंटेंट तैयार किया गया आपके लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मेंस का भी यहाँ से आपको तैयारी भी हो जाएगा, तो बढ़िया मन लगा के सुनिए एक बार, मैं जैसे क्लियर नहीं हो पाता इसको रिवाइज भी कीजिएगा। तो किसने अपने स्वर्ण सिक्कों पर श्री जाजल्यदेव गज शार्दुल अंकित करवाया था सिक्कों पर, तो आपके जो जाजल्यदेव प्रथम थे इन्होंने अपने जो स्वर्ण जो सिक्के जारी किए थे इनमें श्री जाजल्यदेव और गज शार्दुल अंकित इन्होंने करवाया था। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने त्रिपुरियों के जो अधीनता को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था और पहली बार स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में इन्होंने चलवाए थे, जिसमें जाजल्यदेव गज शार्दुल इन्होंने चित्रित करवाया था। और इन्होंने कौन सा शहर बसाया था, तो जांजगीर चांपा इसको अभी कहा जाता है, पहले इसको जाजल्यपुर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये शहर इनके द्वारा बसाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। और प्रतिवर्ष यहाँ पे जाजल्य महोत्सव भी आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष, और इनके द्वारा मंदिर भी निर्माण करवाया था, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार इन्हें करवाया गया था। ये आपके पीएससी में क्वेश्चन है, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो आपको जाजल्य जो प्रथम ने ही करवाया था। और जाजल्यपुर में विष्णु मंदिर, नक्टम मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति कैसी थी, जो मराठा जो यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो मराठों के शासन के दौरान को इन्होंने कौन से पद्धति अपनाई थी, नारंग पद्धति, दोहरी पद्धति, एकल पद्धति या सुबह पद्धति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने छत्तीसगढ़ जो हमारे राज्य में मराठों के जो शासनकाल के दौरान कौन सी पद्धति इन्होंने अपनाई थी, तो सुबह पद्धति इन्होंने अपनाई थी। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मामा भांजा का जो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, सोमवंशियों के द्वारा, छिंदक नागवंशियों के द्वारा, काकती वंशियों के द्वारा या पांडु वंशियों का शासक के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो मामा भांजा का जो मंदिर है इसका जो निर्माण कौन से वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, तो छिंदक नागवंशियों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आपका जो मामा भांजा का मंदिर है आपका कहाँ पे स्थित है, दंतेवाड़ा में, बारसूर में आपका स्थित है। और इसका जो प्राचीन नाम देखें तो इसको चक्रकोट या इसको भ्रमरकूट के नाम से पहले इसको जाना जाता था। और छिंदक नागवंशियों को जो शासक की आपकी प्रारंभिक राजधानी थी, तो मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर और चंद्रादित्य जो मंदिर है ये आपके बारसूर, दंतेवाड़ा के बारसूर में स्थित है, इसको याद रखें। और चंद्रादित्य जो मंदिर के जो प्रांगण में गणेश जी की बहुत ही बड़ी यहाँ पे मूर्ति भी स्थापित करवाया गया है। और बारसूर वगैरह जो प्राचीन चंद्रादित्य जो समुद्र नाम के आपके सरोवर बारसूर में भी आपका स्थित है। और आपका भगवान गणेश जी के यहाँ पे मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा।
और दंतेवाड़ा में तो आपका दंतेश्वरी मंदिर भी आपका ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ था छिंदक नागवंश के शासनकाल में, नल वंश के काल में, फड़ी नागवंश के काल में या कलचूरी वंश के काल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भोरम देव मंदिर का निर्माण यहाँ पे जब यहाँ पे शासन कर कौन से शासकों के द्वारा करवाया था, तो फड़ी नागवंशियों के शासनकाल में इसको निर्माण करवाया था। कौन से सन में, ए 1089, ऐसे याद करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मोबाइल नंबर जैसे आपको तो 1089 ईस्वी में, और ऐसे सदी पूछे तो 11वीं सदी में इसको मंदिर का निर्माण कराया था। ग्राम छपरी के निकट आपका चौरा गांव में आपका स्थित है, कवर्धा में भोरमदेव मंदिर। फणी नागवंशी शासक कौन थे, गोपाल देव, याद रखिए गोपाल देव थे, इसके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। और जो मध्य प्रदेश में भी आपके खजुराहो के लगभग सेम होने के कारण इसको खजुराहो की संज्ञा इसको दी गई है। और आपके नागर स्थापत्य कला जो चंदेल शैली में इसको निर्मित करवाया गया है, और हर साल यहाँ पे भोरमदेव उत्सव का आयोजन किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मड़वा महल का निर्माण किसने करवाया था, मड़वा महल का निर्माण किसने करवाया था, गोपाल देव ने, रामचंद्र देव ने, ब्रह्मदेव ने या आपके विष्णु देव ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मड़वा महल ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कवर्धा में स्थित है मड़वा महल। और लगभग 1359 ईस्वी में जो फड़ी नागवंशी शासक थे जय रामचंद्र देव, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया था। मड़वा महल को ही आपका दुल्हा देव कहा जाता था, इसको भी याद रखिएगा, इनके द्वारा बनवाया था। साथ ही साथ छेरकी महल, पचराही, ये सभी आपके यहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कलचूरियों की जो कुल देवी इनकी कौन थी, जो कलचूरी वंश के जितने भी शासक थे इनके कुल देवी कौन सी थी, गजलक्ष्मी, लक्ष्मी, दुर्गा माँ या आपका काली माँ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलचूरियों के जो कुल देवी थी, जिन लोगों ने पूजा अर्चन वगैरह मानते थे, तो उनके जो पूजनीय जो देवी थी ये आपका गजलक्ष्मी थे। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छिंदक नागवंश का राज्य स्थित था रायपुर में, रायगढ़ में, बस्तर में या कवर्धा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर में। तो छिंदक नागवंश का जो राज्य कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो आपके बस्तर में इन लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे। और यहाँ पे छिंदक नागवंशियों का शासन काल देखेंगे 1023 से लगभग 1324 तक इन्होंने यहाँ पे ईस्वी तक शासन किया गया था। राजधानी चक्रकूट बारसू क्षेत्र यहाँ पे बस्तर दंतेवाड़ा तक इन्होंने राजधानी बनाई थी। और इसके जो प्रमुख शासक कौन कौन थे, तो नृपति भूषण, याद रखिएगा नृपति भूषण इसके संस्थापक कहा जाता है, और हरिश्चंद्र जो कि इसके अंतिम शासक हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि इसके संस्थापक कौन है, तो नृपति जो भूषण थे इसके संस्थापक है, और अंतिम शासक हरिश्चंद्र है। तो सोमेश्वर देव, कन्हर देव, ये सभी आपके छिंदक नागवंशी शासक है, जिसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचूरियों की जो रायपुर शाखा की स्थापना कब हुई थी, 10वीं सदी में, 13वीं सदी, 8वीं सदी या 14वीं सदी के अंतिम भाग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो रायपुर के जो कलचूरियों की जो रायपुर शाखा की जो स्थापना हुई थी लगभग 14वीं शताब्दी में, जो वीर सिंह देव थे इनके शासन के दौरान यहाँ पर कलचूरी साम्राज्य का विभाजन हो गया था। और कलचूरियों के जो नवीन शाखा के रूप में लहुरी शाखा उदय रायपुर में हुआ था, जिसके प्रथम शासक केशव देव थे। इसको याद रखिएगा, केशव देव इसके प्रथम शासक है। इसके बाद आपके रामचंद्र देव आए, ब्रह्मदेव आए, अमर सिंह जो कि आपके लहुरी शाखा के इनको अंतिम राजा कहे जाते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रायपुर जो शहर है ये आपको किसके द्वारा बसाया गई थी, स्थापना की किसने किया था। इसको याद रखे रामचंद्र देव जिन्होंने रायपुर कलचूरी वंश के संस्थापक कहा जाता है, और ये आपका आंसर PSC के द्वारा रामचंद्र देव को लिया गया है। रायपुर नगर की स्थापना ब्रह्मदेव ने की है, लेकिन आंसर जो PSC आपका रामचंद्र देव लेता है। तो आंसर भी आपको रामचंद्र देव लेना है, लेकिन इसकी स्थापना आपका ब्रह्मदेव ने किया था, इसको याद रखे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर के कलचूरियों की जो आरंभिक राजधानी कौन सी थी, खल्लावाटी का जिसको खल्लारी के नाम से जाना जाता है, तुम्हाड़, लोरमी और लोरमा है, लेकिन ये आपका लोरमी है लेकिन लोरमा लिखा गया है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो रायपुर में कलचूरियों के जो आरंभ में जब इन्होंने शासन कर स्टार्ट किया, तो अपनी राजधानी आप किसको बनाया था, ये आपके खल्लावाटी का जो खल्लारी को इन्होंने बनाया था, जो कि आपके अभी वर्तमान में महासमुंद में स्थित है।
तो केशवदेव जो कि रायपुर में कलचुरियों की जो लवरी शाखा जो कि केशवदेव इसके संस्थापक है, इन्होंने रायपुर जो कलचुरी शाखा वंश इनके प्रारंभ करते हैं, इसको याद रखिएगा। और राजधानी खल्लारी को इनको बनाया गया था। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा, और बढ़िया पार्ट वाइज देखते चलिएगा। पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने भी अच्छा लगे, साथ ही साथ कोई भी एग्जाम से प्रिपरेशन कर रहे हो तो लगभग सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।